हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम पैराशूट है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि यह कंपनी फेमस कैसे हुई और इसको फेमस होने में कौन कौन सी परेशानियाँ हुई, इससे रिलेटेड आपको हर एक सवाल के जवाब आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत एक ऐसा इकलौता देश है जिसमें ज़्यादातर लोग साधारण तेल का ही इस्तेमाल करते थे, बट आजकल बहुत सारी कंपनी मार्केट में आ चुकी है और बहुत सारे तेल का निर्माण कर रही है, जिससे कि बहुत सारे लोग अपने पसंद पसंद के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में एक साधारण तेल के ही बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम पैराशूट कोकोनट ऑयल है। इस ऑयल को सबसे पहले बॉम्बे ऑयल नामक कंपनी ने मार्केट में बेचना शुरू की। इस कंपनी को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई इस तेल को बेचने में, क्योंकि उस समय इस तेल का छोटा डब्बा नहीं आता था, 15 लीटर का बॉक्स आता था, जिससे कि सारे लोग नहीं खरीद पाते थे, जिससे खरीदने में बहुत सारी तकलीफें होती थी। सारे लोग इस तेल को नहीं खरीद पाते थे, इसलिए यह कंपनी उतना नहीं चली जितना चलना चाहिए था। 1971 ईस्वी तक बॉम्बे ऑयल को इस प्रोडक्ट की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हालांकि उस समय हर्ष मैरीवाल आए। बॉम्बे ऑयल का यह खुद का पारिवारिक व्यापार था, लेकिन वह चाहते थे कि यह सिर्फ बॉम्बे तक सीमित ना रहे बल्कि पूरे भारत तक फैल जाए। इसलिए वह खुद मार्केट जाकर इसके बारे में खरीदारों से पूछे कि इसका सेलिंग क्यों नहीं हो रहा है, नहीं बिकने का वजह क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश किए। हर्ष ने नागपुर जाकर होलसेल खरीदारों से अपने प्रोडक्ट के बारे में बात की, तो उन लोगों ने बताया कि पैराशूट का नारियल तेल बहुत ही अच्छा है और इसे लोग पसंद भी करते हैं, बट इसका मेन समस्या ये है कि इसका जो वेट है बहुत ही ज़्यादा है, 15 लीटर का आता है, जिसे सब कोई नहीं खरीद पाता है। जिसके पास पैसा कम होगा वो लोग कैसे खरीदेंगे, इसलिए इसका सेलिंग बहुत ही डाउन हो गया है और इसे कोई खरीदना नहीं चाहता है। ये बात सुनकर उन्होंने सोच लिया कि पैराशूट ऑयल को बड़े बड़े डब्बे में नहीं, छोटे छोटे डब्बे में पैक करेंगे, जिससे कि सब कोई आसानी से खरीद ले। और ऐसा उन्होंने कर भी दिया, जिससे कि उनका तेल बहुत ही तेज़ी से बिकने लगा और बहुत ही मार्केट में फेमस होने लगा। ऐसे निर्णय लेने से कंपनी का प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा सेल हुआ, बट कंपनी को बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि उस समय जो ऑयल का बॉक्स आता था वो टीन का आता था, जिससे कि कंपनी को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। कुछ दिनों बाद मार्केट में प्लास्टिक का डब्बा आना स्टार्ट हो गया। हर्ष मरीवाल ने देखा कि इसका जो प्राइस है, इसका जो बजट है, वो टीन के तुलना में कम है, तो क्यों ना इसी का इस्तेमाल किया जाए। तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्लास्टिक के डिब्बा में भर के सेल करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि उनका बजट भी हो जाता था और अच्छा से कंपनी चलने भी लगी थी। और आज यह कंपनी बहुत ही आगे जा चुकी है। आप लोग में से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो पैराशूट कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते होंगे, तो आप लोग को पता ही होगा कि यह आपके लिए कितना बेटर है, आपके लिए क्या रिजल्ट देता है, आप लोग को खुद पता होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं कि सही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।